नमस्कार। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन राव भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में मुलाकात हो सकती है, मंत्रणा हो सकती है। जी हाँ, सरसंघचालक मथुरा में है, संघ के कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं और आज मुख्यमंत्री भी मथुरा जा रहे हैं। वहां वो ब्रज क्षेत्र विकास परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसी बीच इन दोनों बड़े चेहरों के बीच में मुलाकात भी प्रस्तावित है, भेंट भी प्रस्तावित है। भागवत और योगी का मिलना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि 2027 की व्यूह रचना के लिए, 2027 जो विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश का, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी तरह सक्रिय भूमिका में रहेगा जैसा हरियाणा में हुआ। लोकसभा चुनाव में जो परिस्थितियां थी हरियाणा में, वो विधानसभा चुनाव में नहीं थी। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आधी सीटें मिली थी कुल, लेकिन जिस विधानसभा चुनाव आते आते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संवाद और समन्वय का एक अद्भुत नया प्रयोग हुआ और उस प्रयोग ने हरियाणा की सारी राजनीतिक भूमि को पलट दिया। हरियाणा के सारे समीकरण ही शीर्षासन करने लगे, जो अनुलोम थे वो विलोम करने लगे और जो विलोम थे वो अनुलोम करने लगे समीकरण। और भारतीय जनता पार्टी की जो बड़ी विजय हरियाणा में आई उसके पीछे माना गया कि संघ की सक्रिय भूमिका और संघ के साथ भाजपा का बेहतर, अपेक्षाकृत बेहतर समन्वय और संवाद। तो वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में रही। लोकसभा चुनाव के परिणाम उत्तर प्रदेश में भी अच्छे नहीं थे भाजपा के लिए, ये सब मानते हैं और सब जानते हैं, संघ भी, भाजपा भी और भाजपा के प्रतिस्पर्धी दल भी। तो अब किया क्या जाए? तो कहा गया कि हरियाणा का जो मॉडल है संघ और भाजपा के रिश्तों का, उसी को अब आगे बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश चूंकि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां की राज्य सरकार की एक अपनी हैसियत होती है, उसका एक अपना संदेश होता है वहां जय और पराजय का, इसलिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में संघ पूर्णतः सक्रिय रहे और भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, सत्ता और संगठन दोनों स्तरों पर संघ के नेतृत्व के साथ निरंतर सक्रिय संवाद में रहे, यानी कहीं कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं आए। तो इसके बीच में योगी आदित्यनाथ और मोहन राव भागवत की मुलाकात हो सकती है आज मथुरा में। इस मुलाकात पर नजर रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि संघ और भाजपा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संघ भाजपा का मात्र संगठन भी है और पूरक भी हैं दोनों एक दूसरे के, इसलिए जब भी कोई इन दोनों संगठनों के बड़े चेहरे आपस में मिलते हैं तो कुछ बड़ी बात होती है, कुछ बड़ी चीज निकल कर आती है। और योगी आदित्यनाथ यूं भी संघ के विशेष पसंद हैं। मुख्यमंत्री के रूप में जब उनका पहली बार चयन हुआ था तब भी उसमें सरसंघ चालक की भूमिका विशेष थी, बड़ी थी भागवत जी की। तो इस नाते भी योगी और भागवत का मिलना महत्वपूर्ण हो जाता है और मूल जो स्वर सुनाई दे रहा है वो यही सुनाई दे रहा है कि संघ उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव के लिए अभी से सक्रिय होगा, भाजपा और संघ के बीच में
और कैसे सक्रियता बढ़ाई जाए, संवाद बढ़ाया जाए, इसके लिए एक मैकेनिज्म, एक कार्य योजना बनेगी भागवत और योगी की सहमति से। और एक दूसरा डेवलपमेंट ये है आज उत्तर प्रदेश में कि भारतीय जनता पार्टी आज मोटे तौर पर मानकर चलिए कि आज अपने बाई इलेक्शंस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर देगी। राज्य के संगठन के मुखिया भूपेंद्र चौधरी ऐसा संकेत दे भी रहे हैं, वो कह भी रहे हैं कि अब बहुत समय नहीं लेंगे और जारी हो जाएगी सूची। आज से लेकर कल तक भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों में अपनी सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, ये तय है। 25 तारीख तक तो नॉमिनेशन ही है, उसके बाद तो नॉमिनेशन ही बंद हो जाएगा। इसलिए आज वो तमाम लोग अपना दिल थाम कर बैठे जो इन चुनावों में भाजपा से टिकट की अपेक्षा कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, या टिकट के लिए अपना पसीना बहा रहे थे, प्रयास कर रहे थे। आज पर्दा हट जाएगा, भाजपा ने किसको कहां से उतारा है, आज ये सार्वजनिक हो जाएगा। तीसरा एक कोण उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज ये भी है कि कांग्रेस भी शायद अपना पर्दा आज हटाए कि वो गाजियाबाद और खैर में चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी, जो दो सीटें समाजवादी पार्टी ने उसको दी है, या वो इस चुनाव से अपने को अलग कर लेगी कि बाय इलेक्शन हमको लड़ना ही नहीं, जहां से सपा को उम्मीदवार मैदान में होगा हम उसका समर्थन करेंगे। ये भी एक ऐसा राजनीतिक कोण है, पेच है, जिस पर नजर रखा जाना जरूरी है। और आज ही संभवतः आरएलडी भी अपने उम्मीदवार का, मीरापुर से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है। वहां भी चूंकि कई मुस्लिम उम्मीदवार आ गए हैं मीरापुर से, सपा और बसपा ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं, तो माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि आरएलडी किसी ऐसे जातीय समीकरण को साध के किसी ऐसे उम्मीदवार को उतार दे जिसके जातीय समूह के समर्थन से उसके लिए जीतना सहज हो जाए, क्योंकि मुस्लिमों का वोट आपस में बटेगा ऐसा माना जा रहा है। तो उस बंटवारे के चलते जो स्थिति पैदा हो उससे आरएलडी को कैसे लाभ हो सकता है, फिलहाल जयंत चौधरी इसी पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि वो भी आज अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकते हैं। और देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी की सूची में कि कटहरी और मझवा पर वो क्या फैसला करती है, चूंकि इन दोनों स्थानों पर उसके सहयोगी दल के रूप में निषाद पार्टी और उसके नेता संजय निषाद दावा कर रहे थे कि भाई यहां हमारा आदमी हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ेगा, या आदमी चलो आप भाजपा का भी हो लेकिन सिंबल हमारा हो। अब भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या फैसला करती है, कैसे क्या लाइन लेंथ लेती है, ये भी आज तय हो जाएगा। तो कुल मिला के मथुरा में योगी भागवत की मुलाकात और बाद में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की घोषणा, ये दो बड़ी घटनाएं हैं जिन पर निगाह रखी जानी चाहिए। धन्यवाद।